मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी की विकास यात्रा पर कई सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विकास यात्रा को विनाश यात्रा बताते हुए कहा कि प्रदेश का हर व्यक्ति लगभग 45,000 के कर्ज में डूबा हुआ है और मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है, जिसे विकास का नाम दिया जा रहा है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि प्रदेश में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब भाजपा ने विकास किया तो जनता को बताने की जरूरत क्यों पड़ी? अजीत भदौरिया जी और धर्मेंद्र शर्मा जी, सभी का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। हमें मध्य प्रदेश सरकार विकास यात्रा के नाम पर मध्य प्रदेश की खजाने की गाड़ी कमाई को लुटाने का काम कर रही है। विकास नहीं है, जो मध्य प्रदेश की सरकार का विनाश है। इसने मध्य प्रदेश की सरकार को डुबो दिया है, जनता को 3.5 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा लादा। आज प्रत्येक मध्य प्रदेश के नागरिक पर लगभग 45,000 रुपए का कर्जा है।